खूबसूरत लग रही हो प्रिया बेटी। थैंक यू अंकल। आप तो जानते हैं आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, आज हमारे बॉस का बर्थडे है। बॉस होगा आपका। मेरे लिए तो वो सब कुछ है, मेरे जीने का सहारा, मेरे दिल की धड़कन। रोहित के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। गॉड ब्लेस यू। गॉड करे तुम्हारी जिंदगी फूलों से भर जाए। ओह माय गॉड, फूल। हाँ। आखिर तेरे बेटी क्या बात हो गई है? यूं अचानक काम छोड़कर कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊंगी अंकल, पर यहाँ नहीं रहूंगी। सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। प्रिया बेटी। देख प्रिया, मुझे तो ये पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन इस रोहित की हकीकत तेरे सामने जरूर आएगी। लेकिन यही बात अगर मैं तुझसे कहती ना, तो तू मेरी बात पर बिलीव नहीं करती। वैसे भी क्या बिगड़ा है, जो हुआ बहुत अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ? मेरी नौकरी चली गई, सर से छत चली गई। जिसे चाहा था वो बेवफा निकला, और तू कहती अच्छा हुआ। प्रिया कम ऑन, तुझे पता है वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें वक्त रहते ही अपने और पराये के बीच का फर्क पता चल जाता है। और कुछ लोगों की तो तमाम उम्र गुजर जाती है और वो फिर भी नहीं जान पाते कि कौन उनसे वफा कर रहा है और कौन बेवफाई। तेरी बात सच है खुशी, पर मैं बहुत खुश हूं कि मुझ जैसी अनाथ लड़की का भी इस दुनिया में कोई है जिसे मैं अपने दुख दर्द बांट सकती हूँ। कौन है वो? तू और कौन? ओह, वैसे प्रिया मुझे भी तुझे एक बात बतानी है। मेरी जिंदगी में भी कोई है जिससे मैं अपनी खुशियां शेयर कर सकती हूँ, यू नो, बांट सकती हूँ। कौन है वो? वो तू और कौन? अरे सुनिए आपका पर्स, सुनिए। अरे ऑटो। आ गए। टन टन। आजा 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 आजा। बाकी लोगों को बुलाए क्या? आजा आजा बच्चे लोग, बच्चे कंपनी। कैसे तुम सब लोग, मस्ती कर रहे हो? जरूर मिस्टर यश आए होंगे। कैसे तुम सब लोग, मस्ती कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, सबको बलून चाहिए, सबको गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, हटो हटो हटो। मुझे भी। या! और ये गिफ्ट भी है, गिफ्ट भी है, चलो अंदर चले, अंदर चले। अरे आ रहा हूँ। बस 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 भैया भैया बस। अरे सुनिए, ये रख लो। सुनिए। अरे वो क्या बात है बेटा? जी वो साहब जो अंदर गए, ये उनका पर्स मुझे रास्ते में पड़ा मिला। आप उन्हें जानती हैं? उन्हें कैसे नहीं जानती, उन्हीं की वजह से तो अनाथ आश्रम चल रहा है। आप ये पर्स उन्हें लौटा देंगी? मैं लौटा देती, मगर तुम ही दे दो ना। नमस्ते यश जी। नमस्ते मिस बैनर्जी। इन बच्चों की खुशी को देख के ही मैं समझ गई थी कि जरूर आप आए होंगे। सच में यश जी, आप इन बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि आपके आते ही इन लोगों का चेहरा खिल उठता है। ये तो इन बच्चों का प्यार है मैडम, जो मुझे बार बार इनकी ओर खींच लाता है। यश जी, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आश्रम आप ही के डोनेशन की वजह से तो चल रहा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मिस पाना जी, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। यश जी, ड्यूटी करने और ड्यूटी निभाने में बहुत अंतर होता है। और देखिए ना, आप अपना सिर्फ पैसा ही नहीं, इन बच्चों के साथ अपना प्यार भी बांट रहे हैं। और आज इसी प्यार का नतीजा है कि सारे बच्चे आपको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। यश जी, अगर आप 2 मिनट के लिए मेरे केबिन में चलते हैं ना, तो मैं आपको वो ब्लूप्रिंट दिखा देती हूँ। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं मिस बनर्जी, आप एक काम कीजिए, आप वो ब्लूप्रिंट मेरे घर पे भिजवा दीजिए, आई टेक अ लुक। फिलहाल जितना वक्त मेरे पास है मैं इन बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसे हुए। नमस्ते। नमस्ते। ओए बच्चा लोग, सबको गिफ्ट पसंद आए? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही है? दो अंकल कब से रो रही है, कुछ पूछने पर भी कुछ बताती नहीं है। टिंकी क्यों रो रही है? टिंकी को गिफ्ट पसंद नहीं आया? टिंकी क्यों रो रही है? ये पिंजरा तो खाली है, इसमें एक भी बर्ड नहीं है। अच्छा, टिंकी इसलिए रो रही है क्योंकि ये पिंजरा खाली है, इसमें एक भी बर्ड नहीं है। टिंकी को पता है ये बर्ड कहाँ गया? ये बर्ड है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया है, खुले आकाश की सैर करने गया है, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए गया है। मगर आप बिल्कुल फिक्र मत करना, ये बर्ड जब मुझे मिलेगा ना, तो मैं इसे पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ ले आऊंगा और बोलूंगा चल टिंकी के पास, टिंकी रो रही है। अगर हम उसे जबरदस्ती लाएंगे तो क्या होगा बोलो? वो टिंकी की तरह रोएगा। कैसे? तो फिर इस बर्ड को ऐसे जबरदस्ती पिंजरे में रखना चाहिए? जोर से बोलो। I love you all. चलो मुझे आगे करो, आगे करो, आगे करो, आगे करो, आगे करो। इधर पप्पी, ओ बाप रे, अरे बाप रे, जोर से एक, एक एक टिंकी इधर वाली, एक पप्पी, जोर से एक पप्पी, इधर इधर इधर। बच्चा लोग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाय हाय, आपका पर्स। मेरा पर्स? ये आई डोंट बिलीव दिस, ये आपके पास कैसे? रास्ते में पड़ा हुआ मिला। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। ओके देन, या वन सेक, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? नो, नो, मैं चली जाऊंगी। नो, आई इंसिस्ट, मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? प्लीज कम, आइए। ओके, आइए। थैंक यू। चलें? दोस्त हैरान। वाओ, ये तो नादान साहब की गजलें हैं। द लाइफ जिंदगी आपको पसंद है? मेरे फेवरेट शायर है वो, आपको भी पसंद होंगे। हाँ, मुझे भी पसंद है, मगर न जाने क्यों लोगों के सामने ही नहीं आते। जी, खैर जो भी है, बड़े जिंदा दिल शायर है। जहाँ बाकी शायरों ने जिंदगी को बेवफा कहा है, वही नादान साहब जिंदगी को वफा में ढूंढते हैं। कहते हैं जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है, कई हसीन पल, कई खूबसूरत लम्हे, इस जिंदगी के कई एहसान हैं हम पर। और जो एहसान करते हैं वो बेवफा नहीं, वफादार होते हैं। यही थीम है उनकी इन गजलों में, जिनको नाम भी दिया है द लाइफ जिंदगी। अजीब इत्तेफाक है, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। लगता है हमारी आगे भी खूब जमेगी। मगर 50-50 क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को अब तक से 50% जानते हैं, बाकी 50% तो अनजान है ना। ओके, आई एम यश। प्रिया। अरे संभालो, अगला तो रेस में ही चला रहा है। लीजिए, हो गया 100%। वैसे इस 50% वाली बात से मुझे एक किस्सा याद आ गया। किस्सा? हाँ, मेरा एक दोस्त है, एक दिन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई सारी तैयारियां हो गई। उसने कहा कि 50% हो गई। मैंने कहा क्यों भाई 50% क्यों, 100% क्यों नहीं हुई? तो उसने कहा कि भाई मेरी तरफ से 50% हो गई, अब लड़की की तरफ से 50% हाँ हो जाए तो हो जाएगा 100%। अब बस मेरा घर आ गया यहाँ पे। हाँ ओके। दोस्त है थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। हाँ? आपकी कंपनी में सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, मेरी कंपनी उन्हें कभी बोर नहीं करती। मुझसे बिछड़ने से पहले फिर मिलने की दुआ करते हैं। क्यों करे बिछड़ने का गम, दोस्त कभी दिल से जुदा नहीं होते। क्यों करे बिछड़ने का गम, दोस्त कभी दिल से जुदा नहीं होते। वो हम ही हैं जिन्होंने पत्थरों को दी है सूरत। वो हम ही हैं जिन्होंने पत्थरों को दी है सूरत, पर हर तरह से वे बुत खुदा नहीं होते। वाह बहुत खूब, आप तो अच्छी शायरी कर लेते हैं। मेरे दोस्त भी यही कहते। ओके बाय 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 बाय। चंद लम्हों के लिए होता है गम का एहसास, ऐसा लगता है कि जो रिश्ते थे सब टूट गए। जिंदगी में ये जहर के साथ कई लोग थे जो छूट गए। दोस्त हैरान न हो, तुम भी आजाद होना चाहोगे? मैं जानती हूं तुम आजाद होना चाहते हो, तो हो जाओ। जाओ मिठू जाओ। अरे ये क्या किया तूने? आजाद कर दिया मिठू को, तोड़ दिया उसके बंधन। पर क्यों? सोने के पिंजरे में रखकर मोती को दाने ही क्यों ना खिलाओ? आजादी की खुली हवा जैसा कुछ नहीं होता। बड़ी फिलोसोफर बन गई है। तुझे हो क्या गया है? किसी का असर? किसका? है कोई। तो फिर इस बर्ड को ऐसे जबरदस्ती पिंजरे में रखना चाहिए? जोर से बोलो। आई लव यू ऑल। चलो मुझे आगे करो, आगे करो, आगे करो, आगे करो, आगे करो। इधर पप्पी। अरे बाप रे। जोर से एक, एक, एक टिंकी इधर वाली, एक पप्पी जोर से। मैं आज के बाद तुझे कहीं काम करने नहीं दूंगी। जिंदगी भर तेरे भरोसे बैठी रहूं? अरे यार मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, बस मैं नहीं चाहती कि तुझे कहीं पे भी किसी भी तरह की तकलीफ हो। खुशी मैं जानती हूँ, पर मैं नौकरी करना चाहती हूँ। ये देख, ये ऐड देख, कल मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। एड्रेस देकर जाना। खुशी मजाक कर रही हो यार? प्रिया, यस मैम, वी आर वेरी कंसर्न कि हमारे बेटे की वजह से आपको तकलीफ हुई। आप इतनी दूर से आई हैं, काफी पैसे लग गए होंगे। इफ यू डोंट माइंड, we offer you a conveyance of 1,000 rupees. But I'm very sorry we can't give you this job. I hope this does not offend you, sir. Pardon me? पर मैं यहाँ काम मांगने आई थी, ठीक नहीं। जो पैसे मेहनत से नहीं मिलते, मेरी नजर में भीख है। I'm sorry, sir. Bye. आपके पास कैसे? I'm यश। प्रिया। आपकी कंपनी में सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। तुमसे मिलने कोई मिस्टर कमल कुमार आए हैं। He is here. कमल सर, आप यहाँ कहीं कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मांगने? अगर आप मुझे अपना बुजुर्ग समझती हैं तो हक से दीजिएगा, वरना ठीक समझ के। जब एक बाप अपने बेटे की जिंदगी भीख में मांगता है तो मेरी नजर में वो भीख नहीं कहलाती। I'm sorry sir, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे बेटे को जब भी अटैक होता है तो बड़े से बड़ा सूरमा भी उसे काबू में नहीं ला सकता, लेकिन उस दिन आपने बहुत संभाल कर उसे काबू में किया। आपसे एक छोटा सा निवेदन है और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि अगर आप उसे संभाल ले तो मेरे बेटे की जिंदगी कुछ और बढ़ सकती है। मतलब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। क्या हुआ है उन्हें? ब्रेन ट्यूमर। देखो प्रिया, अगर आप ये काम कर दो तो आप जो भी सैलरी कहोगी, दुनिया की कोई भी खुशी मांगोगी, मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को संभालो प्लीज। सर मैं जानती हूँ अगर मैं यह नौकरी एक्सेप्ट कर लूँ तो आपकी नजर में मेरी कदर बढ़ जाएगी, मगर मैंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया तो मैं अपनी ही नजर में गिर जाऊंगी। सर बुजुर्ग समझकर आपको ये हक अदा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं यह नौकरी एक्सेप्ट करती हूँ सर। So nice of you, बेटे। Priya, I'm so grateful to you. Thank you very much. God bless you. I'm proud of you. आइए। यश बाबा ऊपर टेरेस पर है। मैडम, किसी चीज की जरूरत हो तो बेल दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। अरे खींच खींच खींच। खींच खींच। वाह बेटर, मच बेटर। है मिस प्रिया जी? नहीं, वो देखने में मजा आता है। अच्छा, मुझे तो उड़ाने में ज्यादा मजा आता है। वैसे मेरे ख्याल से जिंदगी और पतंग में कोई खास फर्क नहीं है मिस प्रिया। जिस तरह पतंग डोर से बंधी होती है, हवा में लहराती है, हिचकोले खाती है, उसी तरह जिंदगी भी सांसों की डोर से बंधी है। जब तक सांसें चल रही हैं, जिंदगी की पतंग उड़ती है। जैसे ही सांसें रुक गई, हाँ, सब कुछ फिनिश। बस यही खेल है जिंदगी का। एनीवे, थैंक्स एंड कंग्रेचुलेशंस। वो क्यों? थैंक्स कल मेरी मदद करने के लिए, और कंग्रेचुलेशंस मेरे बिलियनर बाप को ये समझाने के लिए कि जिंदगी में पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। कम से कम किसी की जिंदगी तो बिल्कुल नहीं। यश पापा। यस पापा। बेटा, मैं यूं गया और यूं आया, बट मेक श्योर You have to take care of yourself. Don't worry, पापा। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। अरे बेटे, फिक्र की क्या बात है? प्रिया है ना? जब से प्रिया बेटी इस घर में आई है, तब से इस घर की उम्मीदों की रोशनी जगमगा उठी है। सर, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है प्रिया। थैंक यू सर। ओके बाबा, अब मैं चलता हूँ, बट मेक श्योर इफ यू नीड मी यू विल गिव मी अ कॉल। आई विल बी हियर विद इन 1 hour। ओके डार्लिंग, ओके सन, ओके ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। जल्दी से तैयार हो जाओ के बाहर चलते हैं। कहाँ? कहीं भी, बस इस माहौल से दूर। डिनर पे चलते हैं। डिनर पे? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। चलो चलो चलो, कम ऑन। सुनो यश, थैंक यू। प्लीज चीयर्स। बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, मेरी फेवरेट जगह है, मैं अक्सर आया करता हूँ। अच्छा, माल देख रहा है क्या? एक बार अपने को मिल जाए ना तो अपनी किस्मत। लगता है तुम्हें यह जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या? सच कहूं, यहाँ की सारी चीजें कितनी आर्टिफिशियल है, बिल्कुल बनावटी। लगता है जैसे सबने झूठ का नकाब ओढ़ लिया हो। तो सुनो, हाँ? यहाँ पे सब ना वो जाहिर करने की कोशिश करते जो वो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ। और अगर कोई अपनी मर्जी से जीना चाहे तो यूं मुझे देखना। मुझे क्या कर रही हो तुम? अब तो क्या करूं, देखो ना। ऐसी जगह पे मेरा बिल्कुल दम घुटता है यार। अच्छा, तो तुम्हें कोई ऐसी जगह मालूम है जहां तुम्हारा दम नहीं घुटता हो, जहां जीने की आजादी हो, जहां किसी को किसी की कोई फिक्र ना हो? हाँ, जानती हूँ। कूल, चलोगे? मैं हो गया। ऐसे नहीं, ऐसे। No, it's fine. It's Listen, I'm not doing this. Okay, I'm going back to the car. That's the way you do it, yeah. That's not hygiene. Arey, please try now. Arey, there is one telling you. Get your own. Hello, I also need it. अरे, ये तेरा फिश। जानती हूँ आज मुझे लगता है कि मैं वाकई आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ। क्या हो यार? तुम जानती इससे पहले मैं जरा सी भी आवाज सुनता था ना तो मेरा सर चक्कर जाता था। और आज तुमने देखा प्रिया माँ इतनी आवाज हो रही थी प्रिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रिया कहाँ? ओ हाँ यश सब देखने की आदत डाल लो प्रिया। पता नहीं और कितने दिन ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। So Yash, how are you feeling? Great, fine, fantastic. Your report shows you are improving. Thank you, doctor. And वो प्रिया है। बहुत डर रही है। Don't worry, मैं उसे समझा दूंगी। Thank you, doctor. Okay, take care. Yeah. Bye. Bye. घबराने की कोई बात नहीं है। He is improving now. भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे चेहरे पे ये रोना अच्छा नहीं लगता है, ये उदासी अच्छी नहीं लगती। So keep smiling. That's like a good girl. Very good. हेलो हेलो खुशी। हाँ प्रिया बोल। प्रिया तू रो क्यों रही है? क्या बात है? अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। मुझसे यश की हालत नहीं देखी जाती। प्रिया तू अभी इसी वक्त यहाँ आ जा, वहाँ पर एक मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक कहती है तू। अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं आ रही हूँ। ओके बाय। ये मैं क्या कर रही हूँ? मेरी तरफ कुछ होके गई। मुझे छोड़ के मैं नहीं जा सकती। प्रिया यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो सर, हाउ आर यू? एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? कुछ काम याद आ गया है। प्रिया को जानते हो? जी हाँ। मेरे होटल में काम करती थी। बहुत चाहती थी मुझे और मुझसे शादी करने का ख्वाब देखती थी। फिर क्या, एक लड़की के साथ देख लिया मुझे बेड पे। मुझे और मेरी नौकरी को छोड़कर चली। आज भी पुराने तकिया में उसी ख्यालों में। खैर, यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आया हूँ। मिस्टर पवन जी से मेरी बात हो चुकी है और 2 साल के लिए मैं ये होटल चलाना चाहता हूँ। ये रहा चेक और ये रहा लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट, प्लीज साइन कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? होटल फौरन खाली करो। मगर क्यों? क्योंकि तुम आदमी बहुत घटिया, और तुम जैसा घटिया आदमी अगर हमारा होटल चलाएगा तो हमारे Now get out. I said get out. Get out. खुश हो? कितनी हसीन शाम है नहीं? बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह, जिसका सूरज कभी भी डूब सकता है। थोड़े ही पल में अंधेरा सब कुछ निकल जाएगा। नहीं यश, ये किताबी बातें हैं। जिंदगी की हकीकत तो ये है कि सूरज के डूबने से अंधेरा नहीं होता। जब ये बड़ा सा सूरज डूबता है तो छोटा सा चिराग अंधेरे को दूर कर देता है। मेरी जिंदगी के अंधेरे को जो दूर कर, वो चिराग मुझे मिल गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर काइंड अटेंशन प्लीज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम एक नए एल्बम की रिलीज के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इस एल्बम का नाम है द लाइफ, जिंदगी, जिसे गाया है मशहूर सिंगर खुशी ने और जिसे लिखा है मशहूर राइटर नादान साहब ने। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। कैसेट रिलीज से पहले हम आपको ये खूबसूरत गीत इस बिग स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि ये खूबसूरत सा गीत आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। जिंदगी से एक शेर याद आया, पेश खिदमत है। जिंदगी जहदे मुसलसल है, कोई खेल नहीं। जिन्हें जीना है वही रहते हैं तूफान के करीब। आदाब अर्ज़ है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सबको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी और मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमने चाहा वो कर दिखाया। लेकिन एक बात का गम है, नादान साहब जिनके हाथों से मैं अपने म्यूजिक वीडियो को लॉन्च करवाना चाहती थी, वो इस वक्त इस लॉन्च में मौजूद नहीं है। खैर, मैं अपनी दोस्त प्रिया को यहाँ बुलाना चाहूंगी और चाहूंगी कि वो इस वीडियो को लॉन्च करें। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, बल्कि नादान साहब ने खुद अपनी इच्छा जाहिर की है एक खत के जरिए। प्रिया, प्लीज कम। दोस्तों, ये एल्बम मैं रिलीज करूं ये मेरे लिए फख्र की बात होगी, लेकिन अगर ये एल्बम नादान साहब रिलीज करें तो ये हम सब के लिए फख्र की बात होगी। नादान साहब और यहाँ कहाँ है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नादान साहब से कि वो स्टेज पर आए और ये शुभ काम करे। जी हाँ दोस्तों, वो यहाँ मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नादान साहब उर्फ मिस्टर यश कुमार से, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। आई रिक्वेस्ट यू सर कि आप स्टेज पर आए, प्लीज गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नादान साहब, डॉक्टर से बीमारी, अपनों से मोहब्बत और चाहने वालों से सूरत नहीं छुपाते। इसीलिए आज मैंने आपको आपके चाहने वालों के बीच लाकर खड़ा किया है। ये आपने वाकई बहुत गलत किया है। अगर आप वाकई में इसे मेरा गुनाह समझते हैं तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो अपने चाहने वालों से कहिए, आज तक नादान को गुमनामी की कैद की सजा क्यों दी? नादान को कोई कैद नहीं कर सकता दोस्तों, नादान आजाद है। वो हर उस जगह है जहां जिंदगी है, क्योंकि नादान जिंदगी के हर दर्द को समझता है। मौत हकीकत है, जिंदगी चाहे छोटी हो या बड़ी, एक न एक दिन मौत उसे अपनी बाहों में भरी लेती है। तो फिर हम जिंदगी को क्यों बेवफा कहते हैं? जिंदगी तो वफा करती है, जिंदगी तो वफा करती है, अपनी हर सांस का कर्ज अदा करती है। गमों की धूप हो या खुशी की छांव, बचपन की चोट हो या बुढ़ापे का घाव, जिंदगी हमेशा साथ रहती है। किस्से बनकर, बातें बनकर, यादें बनकर या फिर इतिहास बनकर। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको जीना है। दोस्तों, यश भले ही मर जाए, नादान हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे नगमों में, मेरी गजलों में, मेरे अल्फाजों में, क्योंकि नादान हर उस जगह है जहां जिंदगी है। नादान साहब। भाई प्रिया जी, इस काम के लिए मैं वाकई बहुत छोटा आदमी हूँ। दोस्तों, मैं गुजारिश करना चाहूंगा वडेरा म्यूजिक कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस शबाना वडेरा जी से कि वो हमारे बीच आए और इस काम को अंजाम दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसेस शबाना वडेरा, बिग हैंड प्लीज। हाय, आइए। हाय, आइए। यश, तुम पूछोगे नहीं मुझे कैसे पता चला कि तुम ही नादान हो? दरअसल मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी, वहां से ये राज पता चला। और तुम्हारी डायरी में से एक और राज भी पता चला है। एक और राज? वो क्या? मैंने उसमें एक तस्वीर देखी थी। कौन है वो? बताओ ना यश, कौन है वो? यश, 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 यश क्या हो रहा है? यश, यश, संभालो। मैंने ड्राइविंग करने के लिए मना किया था ना। डोंट वरी, ही इज ऑल राइट। बस एक ही रात यहाँ इसे रुकना पड़ेगा, कल सुबह इसकी छुट्टी। ये तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि एक छोटा सा एक्सीडेंट था। डोंट वरी, ओके, बाय एंड टेक केयर। यश, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? Oh God, मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने बेटे की जिंदगी गलत और इर्रेस्पॉन्सिबल हाथों में सौंप रहा हूँ। एब्सोल्युटली इर्रेस्पॉन्सिबल हाथों में। देखो प्रिया, मैंने अपनी झोली फैला के तुमसे अपने बेटे की चंद सांसें मांगी थी, सिर्फ चंद सांसें, और तुमने वक्त से पहले ही। मैंने पूरी कोशिश की कि हादसा ना हो, मगर सब। देखो प्रिया, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे की चंद सांसें ही मेरे लिए बहुत बड़ी धन दौलत है, बहुत बड़ी। अब मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूं। आप अपना हिसाब किताब करो और जाओ यहां से। प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। Please leave us alone, please. God is there to look after my son. Yes, God is there to look after my son. I don't need anyone. Go away. मत जाओ प्रिया। उस दिन मेरे पापा को मेरे लिए तुम्हारी जरूरत थी और आज मुझे मेरे लिए तुम्हारी जरूरत है। मगर पापा मेरी खुशियों के खिलाफ नहीं है प्रिया। मेरी जिंदगी के सफर में जो आखिरी 4 कदम बचे हैं, मैं चाहता हूं कि उस सफर में तुम मेरी हमसफर बनो। अगर मुझे अपना हमसफर बनाना चाहते हो तो एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आज से तुम अपनी मर्जी की नहीं, मेरी पसंद की राह पर चलोगे। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, तुम्हारी जिंदगी। I don't like this. Listen, okay? Don't act smart. क्या है? ओए, you scared me, man. Sit like a good boy now, okay? जोर से, जोर से, जोर से. सो रही थी? नहीं, बस थोड़ी आंख लग गई थी। आज शाम को मैंने कुछ दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि इसका सारा इंतजाम तुम करो। ओके ओके। तुम्हारे बायोडेटा पे लिखा था। सोचा एक छोटा सा सरप्राइज देता हूं। कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे अपना भी कोई है। नहीं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हो गया मुझे, कैसे भूल गया मैं अपनी बीमारी के बारे में, कैसे भूल गया मैं कि दिल के रिश्ते और प्यार की गलियों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। कैसे भूल गया मैं, कैसे भूल गया। जब भी मैंने इन गलियों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की ना प्रिया, सिवाय हादसों के मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। पर मुझे हादसों का खौफ नहीं है। लेकिन मुझे है। देखो प्रिया, मैं जिंदगी में पहले भी बहुत कुछ खो चुका हूं, बहुत कुछ। मैंने प्रीति को खोया। प्रीति? अब मैं और कुछ नहीं खोना चाहता। प्रीति कौन? हेलो, दिखा नहीं देता क्या? यही प्रॉब्लम है हम लड़कों की, माँ बाप ने बाइक दिलाई नहीं कि एरोप्लेन की तरह चलाने लगते हो। और एक्चुअली आई एम सो सॉरी, वो पापा मेरा रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी में थी। आप बहुत खूबसूरत हैं। जी 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 जी, जी मेरा मतलब है आपको बाइक आराम से चलानी चाहिए। कहीं चेहरे पे चोट लग गई तो लोग तो यही कहेंगे ना कि आसमान के चांद पर तो दाग है ही, अब जमीन का चांद भी दागदार हो गया। मैं आपकी इस मशवरे को याद रखूंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे बाइक चलाने वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। प्रीति बेटा। जी। देखो आज मेरे बॉस पहली बार डिनर पे आ रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पापा आप क्यों फिक्र करते हैं, आपको पता है ना जब प्रीति खाना बनाती है तो लोग उंगलियां चाटते हैं। यही वजह है कि बॉस को आज मैंने डिनर पे बुलाया है, समझी। आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से खाना लेके आती हूँ। देखो लगता है बॉस आ गए, तुम इधर संभालो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, आप? सॉरी, पापा को किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा, उन्होंने आपसे वादा किया था इसलिए अपनी जगह मुझे भेज दिया। आई होप दैट्स ओके विथ यू। अरे अच्छी बात है, आप मेरे लिए हमारे घर आए हैं, ये सौभाग्य है मेरा। और क्या चाहिए? हम लोग पहले कभी मिले नहीं, लेकिन पापा बहुत तारीफ करते हैं। Oh my God! और कौन कौन रहते हैं यहाँ? जी मैं और मेरी बेटी। ओ बैठिए ना प्लीज। वाह, डिनर स्ट्रेट है। ओके। प्रीति बेटा। आई पापा। प्रीति बेटा, आर यू रेडी? खाना ले आओ। Yes, Papa, coming. Oh God. Oh. चल प्रीति, चल प्रीति। Oops. ये क्या प्रीति? ये क्या तरीका है? आप? हाँ। तो आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? हाँ। ये अंकल ये लड़की। पता है क्या हुआ पापा? वो उस दिन ना बेचारे बहुत मुसीबत में फंस गए थे। एक्सीडेंट हो गया था। मैंने इनको कितनी मुश्किल से बचाया, पता है ना? क्यों? मैं देख रहा हूँ कि आप सच को बहुत बखूबी बयां करती हैं, मिस प्रीति। नाइस। वैसे लोग मुझे यश कहते हैं, और जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग प्यार से मुझे यश ही कहते हैं। आओ बेटा खाना लगाओ। लीजिए। आप शुरू कीजिए प्लीज। क्या हुआ सर? ये क्या बेटा? इसमें नमक मिर्च इतना ज्यादा है कि आदमी एक निवाला भी नहीं खा सकता। I'm sorry. घर में आके आपको होटल का खाना खाना पड़ा। No issues. लेकिन उसमें भी आप ही की गलती है। मेरी? जी हाँ, आपकी। आपको पता है मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। लेकिन आपको देख के सब गड़बड़ हो गई। अच्छा, मतलब मुझे देखकर सब गड़बड़ हुई है। हाँ। वैसे जब से मैंने आपको देखा है, मेरी भी हालत कुछ ऐसी है। क्या? हाँ। ये कमबख्त दिल मेरा होते हुए भी मेरा नहीं रहा, और ये सब आपका कसूर है। मेरा कसूर? हाँ। जब से आपको देखा ऐसा लगने लगा है जैसे जैसे मुझे प्यार हो गया है। आई थिंक आई एम इन लव। आई एम इन लव। I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. Hey 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 hey, aha aha aha, oh ho 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 ho, aha. बस में हो तो अपनी किस्मत बुलंद कर लूं, मेरे बस में हो तो अपनी किस्मत बुलंद कर लूं। आँखों में तुझको रख के, आँखों में तुझको रख के पलकों को बंद कर। किस्मत बुलंद कर लूं। कभी फूल और बहारे, कभी चांद और सितारे, होंगे हसीन लेकिन तुझसे नहीं है प्यारे। प्यार इतना मिल गया है, दामन को कुछ संभालो, खिलते हुए गुलों की मेहंदी जरा न चालो। तुझे देखता रहूं यार, हो तुझे देखता रहूं यार, बातें मैं चंद कर लूं। मेरे बस में हो तो अपनी किस्मत बुलंद कर लूं। मेरे बस में हो तो अपनी किस्मत बुलंद कर लूं। सुबह का लेकर दीखा तेरा बना दूं। इन दौड़ते पलों को इन दौड़ते पलों को थोड़ा तो मंद कर लूं। मेरे बस में हो तो अपनी किस्मत बुलंद कर लूं। आँखों में तुझको रख के, आँखों में तुझको रख के पलकों को बंद कर लो। मेरे बस में हो तो अपनी किस्मत बुलंद कर लो। मैं बहुत खुश हूँ प्रीति, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अगर ये ख्वाब है तो ये ख्वाब कभी ना टूटे। मेरा तो बस यही अरमान है, मेरा दम तुम्हारी बाहों में निकले। अगर दम निकलना ही है तो दोनों का निकले। तुम्हारे बगैर जीकर क्या करूंगा। कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेना। अच्छा। और एक बात और, तुम उसको मेरी कब्र पे जरूर लेके आना ताकि मैं उसको पसंद करूं। शराब यार प्रीति, बहुत हो गया मजाक। तुम जानती हो मुझे मरने मरने की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। जिंदगी का सफर छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो। मांगते हैं दुआ, कुछ ना सही मोहब्बत हो। तुम्हारा ये शेर मुझे बहुत पसंद है। तुमको पास पाकर तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। जब तुम साथ होती हो तो सोचता हूँ वक्त को कैद कर लूं। वक्त तो बस यूं ही गुजरता रहता है। अरे देखो, पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। ओह गॉड, क्या हुआ? अरे मैं तो भूल ही गया। पापा ने कहा था शाम को कुछ मेहमान आ रहा है, जल्दी। सब तुम्हारी वजह से होता है। चल 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 चल। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कुछ नहीं, अचानक उठाना इसलिए। आजा, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, घर पे चलो। मगर हाथ तो दो ना। अरे वो तो जिंदगी भर के लिए दिया है। आओ। यश, 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 क्या हुआ? यश, उसको बोलो ना। यश, यश, क्या करूं? क्या करूं? Oh! उस दिन मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला। इस बीमारी ने मुझसे पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है प्रिया, मेरे प्यार को छीना है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं प्रिया, और इसलिए मेरा कोई फ्यूचर नहीं। इसलिए मत चाहो मुझे, क्योंकि मेरी जिंदगी जो खुद कुछ पलों की मोहताज है, उसमें तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। यश, जो मेरे मुकद्दर में होगा वही मुझे मिलेगा। मुझसे मेरे हिस्से का प्यार मत छीनो यश। मोहब्बत तो बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ लोग सिर्फ मोहब्बत के एहसास के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिलती है ना, वो बहुत खुशनसीब होते हैं। मुझे भी उन खुशनसीबों में शामिल कर लो। डॉक्टर, एनीथिंग सीरियस? It's miracle. Doctor, क्या हुआ? I can't believe this. I can't just believe this. सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं। रियली डॉक्टर? कमाल है। यश को अब कोई खतरा नहीं है। You can enjoy your life. यश? प्रिया, कंट्रोल योरसेल्फ। प्रिया, 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 हाय हाय प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। डॉक्टर ने मुझे शहर के बाहर जाने की परमिशन दे दी। वाओ, क्या? दवाइयाँ बंद, इंजेक्शन बंद, सब कुछ बंद। मैं ठीक हो गया प्रिया, डॉक्टर्स ने कहा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। I don't believe this. और ये सब तुम्हारी मोहब्बत का जादू है प्रिया, सब तुम्हारी मोहब्बत का जादू है। इतनी रात गए, कौन आ सकता है? सिट डाउन। थैंक यू डॉक्टर। क्या बात है यश? डॉक्टर, बस मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। पहली बार किसी डॉक्टर को कोई मरीज झूठ बोलने के जुर्म में शुक्रिया अदा करने के लिए आया होगा। लेकिन डॉक्टर, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मेरी मौत को मैं तो सह सकता हूं, लेकिन मेरी मौत से पहले मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता डॉक्टर। एक ऐसी मौत जिसमें जान तो बच जाती है, मगर आत्मा मर जाती है। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया यश, सिर्फ आपके कहने पर। आई नो डॉक्टर, आपने ये सब मेरी खातिर किया और मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन डॉक्टर, मैं अपनी जिंदगी का हर पल जीना चाहता हूँ। प्रिया के साथ अपनी हर खुशी बांटना चाहता हूँ मैं। और इसीलिए मैं और प्रिया कल आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं। What? No, यश, no. It is not possible. आप इस हालत में बाहर नहीं जा सकते हैं। आपका ये रिपोर्ट बहुत ही खराब है। मैं आपको कैसे समझाऊं? Try to understand. कि मौत मुझे कभी भी अपनी आगोश में ले सकती है, यही ना? लेकिन डॉक्टर, इस सबसे पहले मैं चंद दिन प्रिया की आगोश में खोना चाहता हूँ। मैं उसे ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ डॉक्टर। और क्या पता हमारा ये प्यार देखकर मौत भी शर्मा जाए और शायद दबे पाँव मुझे छोड़कर मुझसे दूर भाग जाए। आखिरकार शायर हो ना? मौत को शायरी पसंद नहीं है यश। आमना सामना होने तो दीजिए, फिर मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। अ ब्रेव मैन। डॉक्टर, क्या बचने का कोई चांस नहीं? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं यश, मौत आपके साथ साथ चल रही है और ऐ मौत चल पीछे हट, तो मेरे साथ चलने के काबिल नहीं। मेरे साथ सिर्फ मेरी प्रिया चलेगी। तेरी आदत है ना पीछे चलने की, सो फॉलो मी। दैट वे। यस, आई हैव मेड अ नोट प्लीज। हाय, आई एम यश, आई हैव अ बुकिंग। गुड मॉर्निंग सर, लेट मी चेक प्लीज। Your key, please, madam. Thank you. This way. Thank you. Thank you. Come. सॉरी प्रिया, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि सब ठीक है। हकीकत तो यह है कि कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, लेकिन अगर मैं तुमसे सच कहता तो तुम मेरे साथ यहाँ तक कभी नहीं आते और मैं तुम्हें वो खुशियाँ कभी नहीं दे पाता जो आज दे रहा हूँ। तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे खामोश रहना होगा प्रिया, मुझे माफ कर देना। वाओ। रुको तो। One second. Wow! Come in. Huh? Are you Yash? Hi. Hi. क्या बात है, नींद नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ आकर बैठ सकते हो। थैंक्स। क्या बात है? बस ऐसे ही। अरे क्या हुआ? यश, ओके? यश, हाँ? छलकती हुई मस्तियों को छुपा ले, छलकती हुई मस्तियों को छुपा ले, कोई उन निगाहों से मुझको बचा ले। छलकती हुई मस्तियों को छुपा ले, छलकती हुई मस्तियों को छुपा ले। के साएगे महताब चेहरा, ये जुल्फों के साएगे महताब चेहरा, अंधेरों में पलते रहे हैं उजाले। पहले तुम बताओ। तुम्हारी खुशी। और तुमने? तुम्हारी जिंदगी। चिंता मत करो यश, माता की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यश कहाँ हो? Priya, listen to me for God's sake. Listen to me, Priya. Listen to me. Priya, मेरी बात सुन. Priya, Priya, listen to me. Leave me. Priya, Priya, listen to me. Priya, listen to me. Listen to me. तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने सब क्यों किया? मैं बताता हूं तुम्हें। बहुत पहले जिंदगी से हार मान चुका था मैं, अपने टूट चुका था मैं। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं सब कुछ भूल गया प्रिया, मेरा दुख, मेरे दर्द, मेरी तकलीफें, मेरी बीमारी, सब कुछ। मैं जीना चाहता था प्रिया, सपने देखने लगा था मैं, सपने देखने लगा था मैं। तुम्हारे साथ बची हुई जिंदगी के कुछ पल बिताने के सपने। लेकिन वो छूट रहा प्रिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम सच कह रही थी प्रिया, झूठ बोला मैंने तुमसे, धोखा दिया है मैंने तुम्हें अपने आप को, क्योंकि सच तो ये है प्रिया कि मैं मर रहा हूं। I'm dying, प्रिया। और अगर ये सच है तो यही सच सही, क्योंकि मैं थक गया हूं प्रिया, इंजेक्शन से, दवाइयों से, ट्रीटमेंट से, केमोथेरेपी से, I'm tired प्रिया, क्यों यश? मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। किससे? उम्मीद से। इतने साल मैंने दवाइयां ली, मैंने ट्रीटमेंट कराई, सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ प्रिया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है प्रिया। टूट गया हूं मैं, इंजेक्शन से, हॉस्पिटल से, तकलीफ से, दर्द से, मैं डर गया हूं प्रिया। नहीं यश, तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए फिर से एडमिट होना होगा। मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए I really love you. सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं तुम्हें यमराज के हाथों से छीन कर लाऊंगी यश, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। भगवान हमारे साथ है, पर तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी कभी छोड़ के जाने की बात भी नहीं करोगे। I love you, I love you too। बुलंद कर